हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लास्टली स्पोकन यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है चार्ट पैटर्न को रीड करना। राइट, एक विंडो आपके सामने दिख रही है अभी, चार्ट विंडो जो है हमारे पास, ऑजी डॉलर का एक चार्ट है और मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं। राइट, सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर लिया है, ये मैकडी और उसके बाद आरएसआई, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इचिमोको क्लाउड, ये कुछ इंडिकेटर्स मैंने ऐड किए हुए हैं इस चार्ट पे। सो गाइस, अगर आप इस चार्ट को देखते हैं, ध्यान से देखिए अभी आप, क्योंकि देखिए प्राइस का मूवमेंट होता है कैंडलस्टिक से। राइट, तो इस चार्ट में क्या आप कैंडलस्टिक को कहीं भी रीड कर पा रहे हैं? पूरी विंडो कलरफुल है और हर जगह इंडिकेटर दिखाई पड़ रहे हैं, और कुछ लोग तो ये भी नहीं, कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, अगर आपको एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर बनना है, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मानी जाती है टेक्निकल एनालिसिस की, जो है प्राइस एक्शन, तो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मतलब इनिशियली नहीं होगा, नेकेड चार्ट की तरफ जाना पड़ेगा, यानी इंडिकेटर्स को हटाना पड़ेगा। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स नाउ। ऑलराइट, नाउ सी, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, मैं डेली टाइम फ्रेम में इसको लेके आता हूं। अब देखिए, अभी आपके सामने एक क्लियर चार्ट है, केवल प्राइस और कुछ भी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं। सो फॉरेक्स में हो या फिर किसी भी ट्रेडिंग में, अगर वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, आप जब तक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इट माइट बी कि आपके इंडिकेटर्स आपको, आपकी जो ट्रेडिंग विनिंग एक्यूरेसी है उसको कहीं ना कहीं कम करेंगे। जी हाँ, ये फैक्ट है, प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर्स, इन दोनों में अगर फाइट हो, सो आई विल सपोर्ट प्राइस एक्शन ऑलवेज। राइट, इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं गाइज, अगर हम बिगिनर्स होते हैं या फिर इवन लेटर ऑन भी, कुछ जैसे ATR इंडिकेटर हो गया, जो आपके स्टॉप लॉस को जो है सेट करने में हेल्प करता है, या फिर यू नो आप बिल्कुल नेकेड चार्ट में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं, तो आप पिवोट्स जो है, पिवोट पॉइंट वाला जो इंडिकेटर है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। However, अगर मैं एक चार्ट रीडिंग की बात करूं, एक चार्ट एनालिसिस की बात करूं और फ्यूचर में प्रेडिक्शन की बात करूं केवल चार्ट के आधार पर, तो कहीं ना कहीं आप इंडिकेटर से आपको दूर जाना पड़ेगा एक प्राइस देखने के लिए, क्योंकि इंडिकेटर आपकी प्राइस में एक क्लाउड की तरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके प्राइस को ऑब्स्क्योर बनाते हैं, धुंधला बनाते हैं। राइट, सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्राइस एक्शन को मास्टर किया जा सकता है, कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक नेकेड चार्ट को देखकर ये प्रेडिक्शन करता है या फिर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी फिर वेट करता है प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप का। राइट, ये एक ऐसी की है, अगर आपने इस पे मास्टर कर ली, सो बिलीव मी, ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर। लेकिन ट्रेडिंग में चार्ट एनालिसिस आपके सामने बहुत इजी ऑप्शन, बहुत इजी हो जाएगा आपके सामने, बहुत ही इजी हो जाएगा, ये आपको बॉदर नहीं करने वाला है। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं अगर प्राइस एक्शन से चार्ट रीडिंग सीख लूं तो क्या मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूं? इसका आंसर है गाइस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है एक ट्रेडर का माइंडसेट। इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। हाउएवर चार्ट रीडिंग ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। सबसे पहला बेसिक जो है वो चार्ट रीडिंग है, जहां से आपकी जो ट्रेडिंग है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री का सिग्नल आपको मिल सकता है, एग्जिट का मिल सकता है। लेकिन क्या आप एक प्रॉपर जो साइकोलॉजी होती है उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो बहुत वास्ट टॉपिक है। राइट, फिलहाल बात करते हैं चार्ट रीडिंग की। देखिए, एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट रीडिंग में, अगर मैं नेकेड चार्ट लेता हूं कोई सा भी, ठीक है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम से चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बड़ा टाइम फ्रेम ही क्यों,
उसका रीजन ये है कि जो प्राइस का मूवमेंट है, अगर मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं यहां पर, अब देखिए, तो इस मूवमेंट से दो चीजें होती हैं। पहली बात तो हम प्रॉपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको बहुत सारा नॉइज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो इसीलिए जब भी आप एनालिसिस करें, ट्रेडिंग ट्रिगर अलग चीज है कि आप ट्रेड में एंट्री कब लेते हैं, एग्जिट कब करते हैं, वो बाकी अलग चीज है। लेकिन एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप तैयार करने के लिए या उसका वेट करने के लिए आपको चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देखना होगा, वीकली, इवन मंथली, या फिर डेली, या 4 आवर्स। ये कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स हैं। पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर्स हैं। अगर आप डे ट्रेडर्स हैं जो एक दिन में ही प्रॉफिट या लॉस लेके मार्केट से बाहर निकल जाता है, तो आपके लिए जो एनालिसिस होगी वो वीकली और डेली, ये दो जो है टाइम फ्रेम, ये देखना होगा आपको ट्रेड में इन करने के लिए। बाकी स्कैल्पिंग की बात करें तो उसके लिए ज्यादा आपको बड़ा चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए आप अगर 4 आवर्स का या फिर 2 आवर्स का टाइम भी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग में आपकी मदद कर सकता है। हाउएवर, स्कैल्पिंग को मैं जो है एक बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडिंग से बहुत अलग समझता हूँ, ठीक है। सो अगर आप एक बिगिनर हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग में मास्टर नहीं किए हुए हैं, तो स्कैल्पिंग गाइज आपके लिए शायद नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है और आपको मार्केट में क्विक सारे डिसीजन लेने होते हैं, राइट। सो बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। देखिए, यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में जाइए और सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए बड़े से टाइम फ्रेम, राइट। ये डेटा अभी मेरे पास है लगभग 2007 से अभी तक का, इस छोटी सी चार्ट विंडो में। अब हम इतने सालों का, लगभग 10-12 सालों का डेटा सामने देख के हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। जहां पर नेकेड चार्ट आपके पास होता है उस पर हम करते हैं ट्रेंड लाइन का यूज, राइट। अब देखिए ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो है चैनल पे, उसे आप देखिए। फिलहाल के लिए ये ऑलराइट, ये रही एक मेजर ट्रेंड लाइन जो कि एक डायरेक्शन देती है एक लॉन्ग रन में, एक बड़े टाइम फ्रेम में हमारा प्राइस का मूवमेंट किस ट्रेंड में हो रहा है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो हम देख सकते हैं यहां पर ट्रेंड लाइन और जो पास्ट स्ट्रक्चर है, यानी जहां पर प्राइस ने लास्ट जो है रिसेंट एक जोन बनाया था जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ये दोनों मिलकर, यानी ट्रेंड लाइन और ये लास्ट स्विंग जो हुआ था मार्केट का, स्विंग हाई कह सकते हैं, राइट। तो ये जो स्विंग यहां से आया था, ये दोनों कहीं ना कहीं एक जोन बना रहे हैं, ट्रेंड लाइन और लास्ट स्विंग, कुछ इस तरह से। राइट, सो नाउ सेकेंड स्टेप में डेली टाइम फ्रेम में हमारे सामने एक रेजिस्टेंस एरिया है जो पास्ट में टेस्ट हुआ है मल्टीपल टाइम, यानी इस दौरान यहां पर सेलर्स एक्सट्रीमली डोमिनेंट थे लास्ट सेशन में, जब भी ये बात हुई थी। अगर मैं बात करूं ये कब हुआ था, तो 2017 सितंबर और जनवरी 18, ये कुछ टाइम था उस दौरान इस जोन में जब प्राइस आया था तो सेलर्स हावी हुए थे। और जब हमें पता है कि प्राइस जो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है पिछले लंबे समय से, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये एरिया होगा, एटलीस्ट ये एरिया जहां पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा प्राइस। ऑलराइट, अब ये तो डेली टाइम फ्रेम है, तो उन लोगों का क्या होगा जो डेली लगभग 3 या 4 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर वीक में यू नो 10-12 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो तो वेट करते रह जाएंगे इस जोन का। तो उनके लिए ये एनालिसिस भी उन्हीं के लिए है, राइट, ताकि वो सही
ट्रेंड में रहें, सही डायरेक्शन में रहें। हम देख सकते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम में, अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो हमारा जो ऑजी यूएसडी का चार्ट है ये पैर डाउन ट्रेंड में चल रहा है बहुत लंबे समय से, पिछले 12 साल से। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन ये है कि ये डाउन ट्रेंड तो बड़े टाइम फ्रेम में है, फिलहाल क्या हम यहां पर शॉर्ट कर दें? जी नहीं। करंट जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, वो हमने कैसे डिसाइड किया? उसके लिए हमने एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए प्राइस जो है अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, हमारा बड़ा टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और छोटे टाइम फ्रेम यानी डेली में अप ट्रेंड है। ऑलराइट, सो इसमें प्रायोरिटी किसकी रहती है? जो रीसेंट जो करंट ट्रेंड है उसकी। हाउएवर हम एनालिसिस में जो बिगर टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड है उसको भी ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में और 4 आवर्स। यहां पर बताइए कौन सा ट्रेंड है, क्या ये डाउन ट्रेंड है? जी नहीं, ये अप ट्रेंड ही है लेकिन ये एक पुल बैक आया है, क्योंकि जब भी प्राइस एक ट्रेंड में रहता है तो वो इस तरह से, अगर अप ट्रेंड है तो हायर हाईज एंड हायर लोज बना के आगे बढ़ता है, या फिर अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो वो क्या करेगा, लोअर हाईज एंड लोअर लोज बना के उस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑलराइट, सो नाउ अभी इस चार्ट को देख के आप पता लगाइए कि अभी ये कौन से ट्रेंड में है। ऑलराइट, ये अप ट्रेंड में है और हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं फिलहाल अभी पुल बैक का, जो कि कंप्लीट नहीं हो, आ तो चुका है पुल बैक लेकिन कहां तक आएगा ये फिलहाल हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी करंट जो ट्रेंड है अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूं वो डाउन ट्रेंड है। हम प्रायोरिटी किस में देते हैं? वो देते हैं करंट ट्रेंड में, जो लाइव मार्केट चल रही होती है उस पे हम प्रायोरिटी देते हैं। पास्ट में जो हुआ वो हमारी एनालिसिस का एक हिस्सा है, लेकिन ट्रेड में एंटर करने से पहले हमें देखना होगा अभी प्राइस का बिहेवियर क्या है मार्केट में, इस पे ध्यान देना होगा। राइट, इसको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मूव करना। सो अगर हमें ये पता है कि अभी ये प्राइस अप ट्रेंड में है तो क्या हमें यहां पर बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसका रीजन है कि ये बाइंग के लिए सही प्राइस नहीं है, या फिर हमें जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये पॉइंट बाइंग का अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी हमें कोई सिग्नल नहीं मिला यहां पर बाइंग का, क्योंकि अभी तो केवल प्राइस क्रैश हो रहा है। अभी कितना क्रैश होगा, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से वापस जाए या फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के सीधा इस डायरेक्शन में चलता चले जाए, तो ये हमें नहीं पता क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर यहां पर हमें कुछ दिखता है कि प्राइस ऊपर वापस होने का कुछ सिग्नल छोड़ रहा है तो ये जोन हो सकता है बाइंग का। लेकिन जब तक ये रेड कैंडल दिख रही है हमें कंटिन्यू, तो तब तक हमें नहीं पता ये और कितना आगे तक ये ट्रेंड चलने वाला है। राइट, नाउ अभी तक हमने क्या देखा? आउट से ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ वो 4 आवर्स का रखता हूँ, और उस पे एंट्री के लिए मैं मूव करता हूँ 1 आवर के चार्ट में। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब हमने एनालिसिस की वीकली और डेली की और 4 आवर्स में। नाउ हमने क्या किया था, एक जोन सेट किया था यहां पर, अगर हम यहां पर वो जोन था कुछ इस तरह से, क्योंकि ये जो एरिया है आने वाले समय में, क्योंकि प्राइस अभी नहीं पहुंचा वहां पर, लेकिन आने वाले समय में इस जोन में प्राइस आके कहीं ना कहीं यू नो इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करेगा जो कि वीकली हमने ड्रॉ की थी, तो यहां से चांसेस हैं कि ये प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है। राइट,
ये हमने जो मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसकी एनालिसिस के बेस पर है। हाउएवर अभी तो उस जोन को हमने छुआ तक नहीं है, अभी तो हम बहुत नीचे हैं उससे, राइट। तो तब तक के लिए हम सोचेंगे बाय का, और बाय की एंट्री के लिए हम चलेंगे 4 आवर्स में, जो कि हमने चेक कर लिया। और यहां पर देखिए एक जोन और ट्रेंड लाइन दोनों का एक यहां पर हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। ये एक जोन है कुछ इस तरह से, जो कि रेजिस्टेंस 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 इसके आसपास, और यहां पर रेजिस्टेंस, और इतनी बार रेजिस्टेंस होने के बाद, और यहां पर एक हमें ट्रेंड लाइन भी मिल रहा है जो एक चैनल को जो है कंटिन्यू कर रहा है, जो क्योंकि अप ट्रेंड है, राइट। तो यहां पर अगर इस जोन में प्राइस आता है इस जोन में, और यहां पर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके पॉसिबिलिटी है कि ये अप ट्रेंड में जाए, उसका रीजन यह है कि जो पहले रेजिस्टेंस रहा है वो अब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम कर सकता है। क्या वो करेगा 100% इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस प्रोबेबिलिटी गाइस, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है गेम ही प्रोबेबिलिटी का है, ऑलराइट। तो अब हमें समझ आ गया कि हमें बाय कहां पर करना है। इस जोन पे प्राइस आ चुका है, राइट। और इस जोन में आने के बाद क्या हम तुरंत बाय कर लेंगे? जी नहीं, उसके लिए हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेंगे। जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है ऐसे जोन में बाय करने का, वो या तो एक मुझे एक लॉन्ग विक रिजेक्शन दिखे कुछ इस तरह से, कलर कोई सा भी हो सकता है, जी एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, ऑलराइट। गाइस अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उसे आप देखिए, मास्टर कीजिए, क्योंकि वो हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऑलराइट। सो या तो एक हैमर कैंडल मुझे चाहिए, या फिर मुझे यहां पर चाहिए एक डबल बॉटम, डबल बॉटम में कहीं ना कहीं प्राइस एक बॉटम यहां बना के अगर वापस मूव होता है, उसके बाद दोबारा उस लेवल को टेस्ट करके वापस एक बुलिश प्रेशर यहां पर हमें दिख रहा है, तो वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग मेरे हिसाब से, राइट। तो ये दो पैटर्न यहां पर इस जोन में मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, पहला एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा एक डबल बॉटम, ऑलराइट। सो गाइस ये लाइव मार्केट में है ऑजी डॉलर का चार्ट, और ये कहीं ना कहीं एक बाइंग सिग्नल भी है। अगेन आई वुड से कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अपने रिस्क पे लेंगे। हाउएवर ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगले 2-4 दिन में, यहां पर अगर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलता है और हमें एक बाइंग प्रेशर दिखता है इस जोन से, राइट, तो यहां पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको जो है मिल सकता है, राइट। आई होप नेकेड चार्ट एनालिसिस कैसे होती है ये आपको समझ आया होगा, राइट। अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद एडवांस होने के बाद धीरे धीरे आपको इंडिकेटर से स्प्लिट होना होगा और एक नेकेड चार्ट से एनालिसिस करनी स्टार्ट करनी होगी, राइट। वो अभी से स्टार्ट करें तो आई थिंक आप धीरे धीरे उस स्किल को जो है मास्टर कर सकते हैं, राइट। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ समझ आया होगा आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरह से एक नेकेड चार्ट में एनालिसिस की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस केवल ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे, राइट। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में ऑक्टा एफएक्स का लिंक है, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है वहां पर जाके साइन अप कर सकते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। और एक टेलीग्राम का हमारा लिंक मिलेगा चैनल का, वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम फ्री वीकली 2 या 3 सिग्नल्स यहां पर जो है पोस्ट करते रहते हैं, ऑलराइट।
So with that said, this is your coach Lastly Spoken signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.